तो भाई कैसे हो आप लोग? अरे भाई पता ही नहीं था गाइस, देख रहे हो यहीं से कुदाना पड़ेगा अपने को। भाई पता ही नहीं था यहाँ से रोड ही नहीं है। हाँ तो भाई मैं क्या बोल रहा था, तो हाँ भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई लोग अपन ने ले लिया है नया मेमोरी कार्ड, क्योंकि जो जो मेरा पिछला वाला कार्ड था वो घूम गया मेरे से। भाई दुख हुआ। ब्लॉग के लिए मैंने सोचा भाई ले लो दूसरा कार्ड तो ही अच्छा है, पर मेरे को फिर दूसरा कार्ड लेना ही पड़ा। कोई ना, ठीक है, वैसे भी लेने ही वाला था मैं दूसरा कार्ड। ओ गाइस वाह भाई, रात का माहौल क्या रहता भाई। दशहरे से एक दो दिन पहले अपन नाइट आउट में निकलेंगे, मस्त घूमेंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा भाई। नाइट में व्लॉग हो रहा है अपना भाई। आर्बन में पता है एक दिक्कत है, लाइट ज़्यादा इसकी ज़्यादा लंबी नहीं जाती है, थोड़ा सा ही दिखता है भाई। थोड़ा तो ठीक करना था इनको, यामा वालों को, बट ठीक है, गाड़ी तो बीस्ट है ना। लाइट में काम नहीं किया पर इंजन में अच्छा काम किया है यहाँ वालों ने। भाई यहाँ अपन पैनल पूछ लेते, अपने साइड पैनल टूट गया तो उनका रेट पहले यहाँ से जान लेते भैया से। हाँ भैया साइड पैनल आप बता दो कितने के आएंगे। साइड पैनल का रेट ही नहीं लिया हमने तुमको बोले थे सुबह, तो रेट ले लो ना, बता दो कि साइड पैनल का प्राइस पूछने आ गए। भाई कितना अजीब सा लग रहा है, और ये भी टूट गया है तो दोनों करवाने पड़ेंगे और मीटर भी सुधारना पड़ेगा। अपन हमेशा यहीं आते हैं अपने भाई है। तो भाई अपन ने पूछ लिया अपनी बाइक के साइड पैनल का प्राइस। भाई भाई मीटर तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, बाकी ठीक है। बाकी भाई एंगल आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा और मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत आ जा रही होगी, क्योंकि भाई अपने पास माइक अडाप्टर तो है बट उसका जो माइक है वो नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बट कोई ना, कल आ जाएगा अपना माइक, उसके बाद तो भाई व्लॉग उसमें मज़ा आ जाएगा। बाकी रात का टाइम है तो घूम के आ जाते एक बार नेहरू पार्क। हाँ क्या करेंगे आके, यहाँ सब कपल्स लोग बैठे रहते और अपन यहाँ से अकेले इंसान निकलते हैं, मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो दुख होता है, बुरा लगता है। अरे क्या चला रहा गाड़ी से भयंकर वाला। सॉरी मैंने गाली बक दिया भाई, जो भी है गाड़ी तुम अब ऐसी चलाओगे तो गाली तो बकेंगे ही ना। तो भाई भाई अपन तो अभी है रामकृष्ण होटल, महाआरती में जाना चाहिए या नहीं। महाआरती अभी तो नहीं होगी, महाआरती रात के 12 बजे होगी, अपन तो रात के 12 बजे उधर जाएंगे। बस अपन एक राउंड ऐसे घुमा के लाते हैं अभी, बस ऐसे ही फन है, मज़ा आता है बाइक चलाने में, एकदम फील आ जाता है। भाई किसी का फोन आ रहा मेरे पास, किसका है भाई? हेलो गाइस, एंट्रेप्रियस का फोन छूट गया है, देना पड़ेगा गाइस, सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है भाई
का रिएक्शन तो बहुत तगड़ा रहता है। एक सुकन्या तो मिले जो लिफ्ट मांगे मेरे से, कभी तो मेरा कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, कोई मिलती नहीं। बुरा लगता है यार कि हमारे पास ही नहीं है। नहीं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, कोई दिक्कत नहीं उसका, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन भाई कोई लिफ्ट तो मांगे, कोई लड़की तो बैठे अपनी बाइक में। अपनी बाइक में अभी तक अपनी बहनों के अलावा अपनी बाइक में कोई भी नहीं बैठा भाई, तो बहुत बुरा लगता है यार। भाई कमर पकड़ के बैठेगी, कितना अच्छा लगेगा। गाइस क्या बोले जा रहा मैं भी, तरंग वाटी का मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया मंदिर कौन सा है, आज देख रहा मैं। बताओ भाई, जाते जाते मैं महाकाली जी के भी दर्शन करा ही देता हूँ भाई। महाकाली जी, काली माता इधर ऐसा देख लेते हैं भाई। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, रात के 12 बजे आ जाओ भाई, पब्लिक ही पब्लिक, खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। दिखा दूँ तो वो काली माँ, काली जी रही वो, जय माँ काली। अच्छे से अगर मैं दिखाऊँ तो भाई, आओ हो कान तो ये लगा दिया है भाई, दिखता नहीं दिखता, आई डोंट नो भाई, नहीं नहीं दिखता। थोड़े से माता जी के दर्शन हुए बस, पूरे तो नहीं भाई। बहुत अच्छा सजाया इधर, इतना मस्त लग रहा है ना, वाइब आ जा रही है रात के टाइम, यही तो चाहिए। तो गाइस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले भाई अपने को, अपनी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।